मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है, मैं दिल्ली से हूँ। हॉस्पिटल वाला डॉट कॉम का मैं फाउंडर हूँ और मैं आज चर्चा करूंगा हॉस्पिटल वाला डॉट कॉम के बारे में। सर्वप्रथम जो मित्र देर से जुड़ रहे हैं उन सभी दोस्तों का आज के कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं और मकर संक्रांति की शुभकामना और बधाई देते हैं कि इस मकर संक्रांति के बाद अगले मकर संक्रांति तक भगवान आपकी सामने मनोकामनाएं पूर्ण करे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। मित्रों आपसे निवेदन है कि जो मित्र जुड़ गए हैं एक बार अपना नाम और शहर का नाम बता दें तो बाकी मित्रों को परिचय लेने में आसानी होगी। जो जो मित्र स्वेच्छा से अपना नाम और शहर का नाम बताना चाहते हैं तो प्लीज बता दें। जी सर, मैं प्रदीप कुमार पांडे बोल रहा हूँ, गोपालगंज बिहार से। नमस्कार पांडे जी, स्वागत है आज के कार्यक्रम में आपका। थैंक यू सर। और कोई मित्र अपना परिचय देना चाहते हो? सर, सुकुमार पाल बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल पुरुलिया से। सुकुमार जी, वेस्ट बंगाल पुरुलिया जी, पुरुलिया से बहुत दूर से जुड़े हैं हमारे सुकुमार भाई साहब। आपका स्वागत है सुकुमार भाई साहब आज के कार्यक्रम में, नमस्कार। और कोई मित्र अपना परिचय देना चाहते हो? जी गुड इवनिंग सर, कल्पेश बात कर रहा हूँ, गुजरात जामनगर से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी 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 जी। और कोई मित्र अपना परिचय देना चाहते हैं? सर गुड इवनिंग, आशीष बात कर रहा हूँ, सतना एमपी से। आशीष भाई नमस्कार, सतना मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया। और कोई मित्र जी जो सर अपना परिचय देना चाहते हैं प्लीज? जी जी सर। नमस्कार, अभिषेक वर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से। भोपाल नरेश अभिषेक वर्मा जी, स्वागत है आज के कार्यक्रम में, धन्यवाद देर से जुड़े हैं आप 2 मिनट। और कोई मित्र अपना परिचय देना जी। और कोई मित्र अपना परिचय देना चाहते हैं तो प्लीज दे दें। सर राज कपूर बोल रहा हूँ सर, जींद हरियाणा से। सर कपूर साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका, आज ही आपने ज्वाइन किया है हमारे टीम को, हम हार्दिक स्वागत करते हैं आपको और मंगल कामना करते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़े और हम लोग साथ में रहें। गौरव भाई नमस्कार, अनम्यूट करिए गौरव भैया। नमस्ते तिवारी जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया कंसल साहब, सादर प्रणाम आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गौरव भाई आप दिल्ली से हैं? जी तिवारी जी, दिल्ली में यूनिवर्स फेस हूं। हाँ गौरव कंसल जी हैं, दिल्ली से हैं, ईस्ट दिल्ली में रहते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस का इनका बहुत बड़ा साम्राज्य है और हम लोग साथ में कई जगह कई छोटे बड़े कार्यक्रम अटेंड किए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कंसल साहब। और कोई मित्र जो अपना परिचय देना चाहते हो? पाठक जी आपकी आवाज अनम्यूट करिए आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पाठक जी, प्रणाम नमस्कार जी। क्या हाल चाल है सर? मैं कोलकाता से हूँ जी। पाठक जी पूरा नाम बताइए अपना। चंद्रकांत पाठक। चंद्रकांत पाठक जी, ठीक है पाठक साहब। जी जी पाठक साहब, धन्यवाद आपका। और कोई मित्र अपना परिचय देना चाहते हो तो प्लीज दे दें। जाकिर भाई जी, जाकिर वो, नमस्कार सर। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जाकिर भाई साहब। आप? मैं ठीक हूँ। अलीगढ़ यूपी से हूँ। अलीगढ़ यूपी से जाकिर हुसैन साहब हैं, आप पैसे से एडवोकेट हैं? नहीं नहीं एडवोकेट नहीं हूँ, इंश्योरेंस एजेंट हूँ, ओरिएंटल से हूँ। आप एडवाइजर हैं? जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद जाकिर भाई अलीगढ़ से जुड़ने के लिए। और कोई मित्र जो अपना परिचय देना चाहते हैं स्वेच्छा से? नमस्कार सर। नमस्कार, नीरज सैनी बोल रहा हूँ सर, जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। नीरज सैनी साहब छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, स्वागत आपका सैनी साहब। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का, कुछ और मित्र जुड़ते जा रहे हैं, मैं आपके अगर आज्ञा हो तो मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करूं। किसी मित्र के द्वारा मुझे आज्ञा दे दिया जाए कि मैं कार्यक्रम के शुभारंभ करूं? बिल्कुल सर जी, बहुत बिल्कुल सर, स्टार्ट कीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। नवंबर 1999 में हम इंश्योरेंस से अपना कैरियर की शुरुआत किए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से एज ए एडवाइजर, और अभी तक पिछले इन 24 सालों में लगभग 10,000 परिवार को मैं सेवाएं दे रहा हूं, जिसमें सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हम लोग सर्विसेज देते हैं।
जिसमें सभी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस है, मोटर है, म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, कमोडिटी है और रियल एस्टेट की ब्रोकिंग भी है। हमारी जो कंपनी है रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर भी है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी है और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। उसके लिए कुछ मापदंड होता है, वो भी कर रहे हैं दोस्तों। इसी बीच में आज से 6 साल पहले हमारे मन में एक भावना आई कि एक हॉस्पिटल कैसे रन करता है, एक हॉस्पिटल का बिजनेस का प्लान क्या होता है, हॉस्पिटल सर्वाइव कैसे करता है। तो जब हमने उसके अंदर काफी गहराई तक अध्ययन किया तो मैं ये प्राप्त किया कि एक हॉस्पिटल के अंदर अमूमन 50-75% हिस्सेदारी हेल्थ इंश्योरेंस के कस्टमर की है। और उसमें हेल्थ इंश्योरेंस की कस्टमर क्या जो प्रीमियम का चार्ज होता है, प्रीमियम चार्ज का मतलब है कि जो हॉस्पिटल चार्ज करती है अपने कस्टमर का टैरिफ रेट जो उसका होता है, कैश के तुलना में 50-200% तक अलग अलग हॉस्पिटल के द्वारा ज्यादा है। दोस्तों हो सकता है कि किसी एक दो हॉस्पिटल में टैरिफ कम हो, लेकिन अमूमन जो मैंने रिसर्च किया था 6 साल पहले कुछ ज्यादा था। तो दूसरा मेरे मन में सवाल आया कि हम सब इंश्योरेंस इंडस्ट्री वाले हैं जिसकी बदौलत हॉस्पिटल इंडस्ट्री रन करती है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री चलती है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री सर्वाइव करती है। और एक हॉस्पिटल, एक अच्छा हॉस्पिटल हर 3 साल के बाद में अपने उस हॉस्पिटल के बराबर एक दूसरा हॉस्पिटल खड़ा कर रहा है। इसका मतलब हॉस्पिटल इंडस्ट्री सेवा करने की इंडस्ट्री नहीं है, ये प्योर बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आई है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के साथ में बिजनेस किया जा सकता है। इसी मनोदशा और इसी भाव के साथ में हमने अपने मन में एक छोटा सा कार्यक्रम बनाया, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया, और उस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम पिछले 6 साल पहले ही छोटे बड़े अपने आसपास के अपने एरिया के हॉस्पिटलों के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत किया। दोस्तों जब हम 6 साल पहले जब शुरुआत कर रहे थे, उस समय कई तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम खास तौर पे ये आ रही थी कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री, जिसको मेडिको इंडस्ट्री बोली जाती है, मेडिको इंडस्ट्री में हम लोग एक नॉन मेडिको पर्सन में आपको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड लग रहा होगा आप दोस्तों को, मैं समझाना चाहूंगा। नॉन मेडिको पर्सन उनको बोलते हैं जो मेडिकल इंडस्ट्री से नहीं हो, यानी कि वो लैब वाला नहीं है, वो मेडिकल हॉस्पिटल वाला नहीं है, वो मेडिकल इक्विपमेंट वाला नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग नहीं है, उस स्टाफ का प्यून नहीं है, उस हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का चपरासी नहीं है। तो हम लोग नॉन मेडिको इंडस्ट्री में आते हैं। नॉन मेडिको इंडस्ट्री को लेकर के बहुत बड़ा बायकॉट किया गया था हमारा, और कई हॉस्पिटल हमसे बात तक करने से कतरा रहा था। उसके बावजूद भी हम अपने मिशन को कामयाब बनाते हुए आगे लेकर के चलते हुए आज आपके सामने प्रस्तुत हूं और कुछ कहने और कुछ बोलने के लायक बन पाया हूं। मित्रों इस बीच में हमने 2 साल पहले 2021 में हमने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना करी जिसका नाम है टीस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और जब टीस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड स्थापित हो गई तो उससे पहले हमारे पास 100 से ज्यादा हॉस्पिटल था जो हमारे प्रोप्राइटरशिप अकाउंट में हुआ करता था। तो जैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनी, उसके बाद में जो हॉस्पिटल हमारे साथ में जुड़ने से कतरा रही थी, नॉन मेडिको बोल रही थी, तब हमने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम रखा hospitalwala.com। वो वेब पोर्टल के द्वारा हम मार्केट में उतरे, हॉस्पिटलों के पास में गए, हम अपने बिरादरी के लोगों के पास में गए, हम अपने सैकड़ों और हजारों इंश्योरेंस एडवाइजर के पास में गए, उनको मैंने बताया। उनको हमने बताया कि हम एक ऐसा बिजनेस मॉडल लाए हैं जिसके साथ में जुड़ करके आप अपने कस्टमर का बेहतर इलाज, बेहतर सर्विसेज, बेहतर ट्रीटमेंट, बेहतर देखभाल करके बेहतर इनकम जनरेट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जद्दोजहन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी लंबी चौड़ी कानूनी कार्रवाई और प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक फॉर्मेट है 5-7-10 वर्ड का, जो मैं अभी प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा, वो उस लाइन से आप मुझे पेशेंट का रेफरेंस भेजिए। हमारे पास जो भी हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट जाने से 1 घंटा पहले अगर हम लोग सूचित कर देते हैं तो पेशेंट हम लोगों का माना जाएगा और उसके ऊपर हमारी और आपकी इनकम बन जाएगी। दोस्तों इसी क्रम में हमने शुरुआत करते हुए आज के दिन में नॉर्थ इंडिया के लगभग 15 स्टेटों में काम कर रही है हमारी टीम।
और आज के समय में लगभग 800 के लगभग में कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसका अभी एमओयू साइन नहीं हुआ है, अंडर पाइपलाइन है, एमओयू गया हुआ है। कुछ डॉक्टर आपको मालूम है कि ईयर एंड के ऊपर उनको विदेश की यात्रा मिलती है अलग अलग मेडिकल कंपनी के द्वारा, अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट कंपनीज के द्वारा, तो डॉक्टर लोग अभी बाहर हैं, तो जैसे ही आ जाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ हॉस्पिटल, लैब और नर्सिंग होम 800 के आसपास में पहुंच जाएगा और हम 15 स्टेट से ज्यादा स्टेटों में काम करने लग जाएंगे। दोस्तों आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे जो टीम लीडर की संख्या है भारत के सभी लगभग प्रमुख शहरों में धीरे धीरे जुड़ने लग गए हैं, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में हूं तो दिल्ली और आसपास के एरिया में हमारे मित्र लोग ज्यादा थे, तो इस एरिया पे पकड़ थोड़ी ठीक ठाक है हमारी। लेकिन जैसे ही हमारे बाहर के मित्र और आप लोग जुड़ जाएंगे, आप लोग इस बिजनेस को समझ लेंगे, आप लोग इस कारोबार को समझ लेंगे, तो आगे आने वाले समय में हम इस बिजनेस को और भी ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं और आपके साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं और स्क्रीन पे थोड़ा सा आप ध्यान आकर्षित करें। दोस्तों ये आपका वेब पोर्टल है जिसका नाम है hospitalwala.com। ये जैसे ही आप इस पे लॉग इन करेंगे कुछ आप ऐड चलता हुआ दिख जाएगा, ऐड चलने को आप हटा दीजिएगा। हटाने के बाद में सबसे पहले आप आवाज नहीं आ रही आपकी, कोई मित्र कुछ बोल रहे थे जी। जैसे ही आप ऐड को हटा दीजिएगा तो इस तरह से एक साफ सुथरा स्क्रीन आपके सामने निकल करके आ जाएगी, जिसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट को और कुछ आपको बेसिक जानकारी जो अपने साथ में हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, किस किस सिटी में अपना प्रेजेंस है वो मिल जाएगा। ये सब जानकारी आपको, बेसिक जानकारी आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा। दूसरे पेज पे अबाउट में जब जाएंगे तो हमारे काम और हमारे कार्यशैली के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों आगे थर्ड पेज पे जाएंगे तो किस किस डिपार्टमेंट के हम लोग डॉक्टर और पेशेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, हॉस्पिटल को सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी गई रहेगी। और आगे गैलरी में जाकर के कौन कौन सा हॉस्पिटल अपने प्लेटफॉर्म पे है वो आप फोटो के साथ में आप देख पाएंगे, नाम और फोटो के साथ में। इस तरह से आप आराम से पोर्टल खोल के अपने सुविधा अनुसार अपने समय अनुसार देख पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा हमारी जो सर्विसेज हैं उसके बारे में दिया हुआ है और कॉन्टेक्ट अस में आकर के आप अपने बारे में कुछ जानकारी हमसे चाहते हैं या हमारे बारे में कुछ आप जानकारी चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर करके हमारे द्वारा आप जानकारी भेज के प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसी के अलावा अगर आपको किसी भी पेशेंट को भेजना है तो यहाँ पे हमने मेक एन अपॉइंटमेंट के नाम से एक छोटा सा फॉर्म सबमिट डाला हुआ है, जहां पे जाकर के आप डालेंगे सबसे पहले पेशेंट का नाम, उनका जेंडर क्या है, उनका मोबाइल नंबर, अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो सिर्फ एज आप ही लिख देंगे तो भी सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा। एड्रेस अगर पूरा एड्रेस है तो पूरा एड्रेस डाल दीजिए, अगर पूरा एड्रेस नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़े। ईमेल आईडी अगर कस्टमर का है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपना ईमेल आईडी डाल के आगे बढ़ सकते हैं। और आप उस पेशेंट से संबंधित कोई जानकारी हमें देना चाहते हैं विशेष तौर पे, आप वो लिख दीजिए और बुक अपॉइंटमेंट आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ईमेल हमारे टीम को प्राप्त होगी दोस्त, ये मेल सिर्फ ऑफिस टाइम में ही एक्सेस होगा, जो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक होता है, तो उसका तुरंत रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा, आपके फोन पे करके आपसे बात कर ली जाएगी। अदरवाइज अभी के सिस्टम के हिसाब से जो भी आपको रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट हुए हैं आप उनसे बातचीत करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं कि अपने साथ में जुड़ने के लिए एक छोटा सा फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको एक बेसिक जानकारी देनी है जिसमें नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह
छोटी सी जानकारी है, ये आपको फिलअप करके साइन करके दे देनी है जब भी हम और आप मिलेंगे। अदरवाइज आप इसको डिजिटली फोटो खींच के भेज दीजिएगा, बाद में कुरियर के द्वारा हम आपसे मंगा लेंगे, ऐसी सुविधा भी रहेगी दोस्तों। दोस्तों आगे हम थोड़ा सा अपने मार्केटिंग पार्टनर के प्रेजेंटेशन के बारे में आपको नजर दिलाना चाहते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल से हम किस मिशन और किस विजन के साथ में आपके साथ में जुड़े हैं, जो हॉस्पिटल हमारे साथ में एज ए हॉस्पिटल पार्टनर जुड़ चुका है उसका थोड़ा सा डिटेल्स दिया हुआ है। हमारे और आपके टीम में कौन कौन व्यक्ति खास तौर पे ज्यादा बिजनेस के रूप में सहयोग कर रहे हैं, उसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एडवाइजर हैं, पॉलिसी बाजार के पार्टनर हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और लगभग सभी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पार्टनर है। इसके अलावा हम किस किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर के साथ में अपने पेशेंट को सर्विसेज दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है। और अगले स्टेप पे जैसे ही आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग मिलने लग जाएगा, हम इस बिजनेस को इंटरनेशनली भी लॉन्च कर देंगे, जहां से हम विदेश से पेशेंट ला करके इंडिया में ट्रीटमेंट कराने का भी कार्यक्रम शुरू कर देंगे। इसके लिए कई आपको वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल आपके प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल पेशेंट को सर्विसेज देने के लिए तैयार है। मैं इंटरनेशनल पेशेंट के बारे में मैं अपने मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर गुलबहार को बोलूंगा कि जब उचित समय होगा तो आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा जो जो हॉस्पिटल अपने प्लेटफॉर्म पे हैं उसके बारे में थोड़ा सा नामांकित किया गया है, जिसका नाम डाला गया है दोस्तों। ठीक है, आगे आता है कि हमारे साथ में कौन कौन व्यक्ति जुड़ करके बेहतर काम को कर सकते हैं, तो उसमें टैक्स कंसल्टेंट हैं, ट्रैवल गाइड्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर हैं, टीचर्स हैं, सेल्समैन हैं, सोशल वर्कर हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है, नर्स है, केमिस्ट है, इस तरह के लोग अपने साथ में जुड़ करके ये प्रेजेंटेशन आप चाहें तो हमारे द्वारा आप मंगवा सकते हैं और काफी मित्रों के पास में गया भी होगा। दोस्तों अगर वर्किंग सिटी की बात करें तो 100 से ज्यादा शहरों में अभी हमारी प्रेजेंस है, जहां पे हम लोग इस सर्विसेज को दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें अपने पास मार्केटिंग पार्टनर्स की, तो हमारे साथ में दोस्तों दो तरह से आप एज ए मार्केटिंग पार्टनर जुड़ के काम कर सकते हैं। पहला मार्केटिंग पार्टनर होगा जिनको हम जनरल मार्केटिंग पार्टनर बोलते हैं। जनरल मार्केटिंग पार्टनर में आपसे कोई भी फीस और कोई भी रिकॉग्नाइजेशन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आप हमें रेफर करेंगे पेशेंट को और उस रेफर किए गए पेशेंट के ऊपर आपका जो भी रेफरल अमाउंट बनेगा वो तो आपको पे कर दिया जाएगा। दूसरा रहेगा दोस्तों हमारा ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर, जिसको हम टीम लीडर बोलते हैं। इनमें आपको 1,000 रुपया प्लस GST आपको पे करना होगा, जिसके उपरांत आपको हमारे द्वारा आपको 9 बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों वो भी हमने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी है कि जो जनरल मार्केटिंग पार्टनर होंगे उनको सिर्फ एज पर हॉस्पिटल स्लैब ही उनको पेमेंट जाएगा, और जो ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर होंगे हमारे या जो टीम लीडर होंगे हमारे उनको हम टोटल 9 बेनिफिट देने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट है कि एज पर हॉस्पिटल लिस्ट स्लैब जो उनका डायरेक्ट इनकम रहेगा, दूसरा रहेगा उनका कॉन्टेस्ट इनकम जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेस पे चलती रहती है अपने यहाँ पे। इसके अलावा वो आगे टीम बना करके, क्योंकि टीम लीडर होते हो तो आगे टीम बना करके टीम के द्वारा भी बिजनेस करा सकते हैं और उसके ऊपर भी उनको एक्स्ट्रा इनकम आएगा। चौथा पार्ट रहता है दोस्तों हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम में, जिस क्षेत्र में, जिस सिटी में, जिस स्टेट में या जिस कंट्री में हमारी कंपनी की प्रेजेंस नहीं है, अपना hospitalwala.com का काम नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, वहां पे जो भी आप हॉस्पिटल लैब और नर्सिंग होम को आप टाइप करवाएंगे उसके ऊपर भी एक आपका प्रॉफिटेबिलिटी शेयरिंग की जाएगी। इसके अलावा पांचवें नंबर पे एक आपको आईडी कार्ड बना के दिया जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड बना के दिया जाएगा, 1,000 विजिटिंग कार्ड मिलेगा आपको, एक ऑथोराइजेशन लेटर मिलेगा जिसके द्वारा आप ऑथोराइज किए जाएंगे कि आप टीम को बढ़ा सकते हैं और आप हॉस्पिटल के नेटवर्क को भी बढ़ा सकते हैं। और 7-8वें नंबर पे रहेगा दोस्तों रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, जो हम लोग समय समय पे करेंगे, और ये सेल्स और मार्केटिंग ये सब आम बात चलता रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात रखा है हमने पॉइंट नंबर 9 को, और वो पॉइंट्स हैं हेरिडिटरी कमीशन, कि जब तक हम लोग अपने जीवन काल में जितना बड़ा भी टीम बना लेंगे और जितने ज्यादा हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और लैब को अपने साथ में टाई अप करा लेंगे, हम लोग रहें या ना रहें, हमारे
आपके नए रहने के बाद में उसका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग है आपको नॉमिनी को जाता रहेगा और जाता ही रहेगा। ये एक सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी रहेगी दोस्तों। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो ऑथराइज्ड मार्केटिंग पार्टनर होंगे उनके जो टीम बनेगा उसके ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह से होगी। अगर उनके टोटल टीम का इनकम 1,00,000 रुपया होता है, उनके अपने इनकम को छोड़ के, टीम लीडर के अपने इनकम को छोड़ के 1,00,000 रुपये तक इनकम जाता है उनके टीम को, तो उनके ऊपर 1% का आपको अलग से इंसेंटिव जाएगा। और अगर 5,00,000 का होता है तो 6% का, और अगर 10,00,000 का होता है तो 15% का। यानी कि अगर आपके पूरे टीम का इनकम 10,00,000 रुपये रहा तो आपको 1,50,000 रुपये का एक अलग इनकम जाएगा अपना डायरेक्ट बिजनेस इनकम के अलावा, और 10,00,000 से ऊपर जिस भी फिगर तक आपका बिजनेस होता है और ये बिजनेस मंथली काउंट किया जाएगा तो उस पर टोटल 16% डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में आपका टीम लीडर का इनकम जाएगा दोस्तों। ये है आपका टीम इनकम का। दूसरा इनकम है दोस्तों आपको हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम। टोटल जो भी नेट प्रॉफिट होगी कंपनी की, अब इसमें आपके मन में संशय हो सकता है, शंका हो सकता है कि टोटल नेट प्रॉफिट इनकम कैसे मालूम होगी। तो मित्र जो आप एमओ साइन कराएंगे वो आप ही कराएंगे, जो पेमेंट कलेक्शन होगा वो आपके जानकारी में होगा, आपके हाथों से होगा, आपके नजर के सामने होगा, और उसमें से जो हम प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं अपने पार्टनरों को वो आपके नजर में होगा, कॉन्टेस्ट इनकम होगा वो सब आपके जानकारी में होगा। उसके बाद में जो टोटल नेट प्रॉफिट इनकम आता है उस हॉस्पिटल से, जिस हॉस्पिटल को आपने इनपैनलमेंट कराया है, तो उसके ऊपर 2,00,000 रुपये तक के इनकम पे 2,00,000 से ऊपर और 5,00,000 से कम पे 2% है, 5,00,000 से ऊपर 10,00,000 से कम पे 3% है, 10,00,000 से ऊपर 20,00,000 से कम पे 4% है, और 50,00,000 से ऊपर 1,00,000 तक 6% का आपको एक्स्ट्रा टोटल नेट प्रॉफिट इनकम मिलेगा। वो इनकम जो आपने हॉस्पिटल नर्सिंग होम और लैब के इनकम पे आपने करवा के दिया है। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो हमारे तरफ से था। दोस्तों एक बहुत ही स्वतंत्र कैरियर है जहां पे आप समय की कोई बंधन नहीं है, आप अपने सुविधा अनुसार कभी भी काम कर सकते हैं, आप अपना बॉस खुद हैं, आप जितना बड़ा चाहे टीम बना सकें, जितना बड़ा चाहे आप इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे समय समय पे कार की, बाइक की, लैपटॉप का हम लोग कॉन्टेस्ट लेकर के आते हैं, वो आपको समय समय पे जो भी रहेगा वो आपको सूचित कर दिया जाएगा, वो मिलता रहेगा। नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप का मिलता है, और इसके साथ में आपको लाखों और करोड़ों रुपए कमाने का इनकम का एक साधन भी मिलता है। और साथ में दोस्तों कि ये सभी चीज आपको अपने मित्र, अपने ग्राहक, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार को सेवा करते हुए प्राप्त होता है। दोस्तों इसके अलावा एक छोटा सा मैं मैसेज दिखा देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी पेशेंट को भेजते हैं उससे पहले आपको ये सूचना हमारे तक पहुंच जानी चाहिए, जिसमें पेशेंट का नाम, उनको प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ किस तरह की है, टाइप और पेमेंट क्या रहेगा, कैश करेंगे, टीपीए है, टीपीए है तो टीपीए का नाम मेंशन कर दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर, अगर जो अटेंडेंट है, जो पेशेंट है, अगर उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिएगा तो उस केसेज में हॉस्पिटल भी उनके साथ में कोऑर्डिनेट कर लेती है, बातचीत कर लेती है। अगर पेशेंट का एड्रेस है तो आप उस मैसेज में डाल सकते हैं, एज ऑफ पेशेंट अगर आपको मालूम है तो डाल दीजिए, जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, ये आप डाल सकते हैं। किस हॉस्पिटल में आप उनको भेजना चाह रहे हैं, किस हॉस्पिटल में आप भेज रहे हैं, उस हॉस्पिटल का नाम मेंशन कर दीजिए, सिटी ऑफ हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल किस शहर के अंदर है और किस टाइम वो हॉस्पिटल में पहुंचने वाले हैं, और साथ में लास्ट में आप अपना नाम और आप अपना मोबाइल नंबर डाल के ये मैसेज आप अपने मैनेजर्स को, आप हमें या मेल पे या व्हाट्सएप पे हम लोगों को आप चैट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और उसी के हिसाब से आगे ये मैसेज हॉस्पिटल को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि अपने साथ में हॉस्पिटल कौन कौन सा है, तो उसके ऊपर चर्चा करते हुए आप देखेंगे कि हॉस्पिटल वाला नेटवर्क का जो इनकम, जो हॉस्पिटल्स हैं, इसमें पार्क हॉस्पिटल है जो केशवपुर सब्जी मंडी में है, दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर का सबसे ऊपर हमने डाला हुआ है।
पार्क हॉस्पिटल पालम बिहार जो गुरुग्राम में है, पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद, पार्क हॉस्पिटल गुरुग्राम, पार्क हॉस्पिटल सोनीपत, सिग्नेचर एडवांसेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में है, केके हॉस्पिटल पश्चिम बिहार में, फुटोन डायग्नोस्टिक सेंटर नागलोई में। तो इस तरह से दोस्तों देखेंगे कि आपको दिल्ली एनसीआर में छोटे और बड़े सारे हॉस्पिटल मिला करके लगभग 350 के आसपास में हॉस्पिटल है। ये देखिए मैं लास्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूं, 271 हॉस्पिटल्स हैं जो दिल्ली एनसीआर के अंदर है। इसके अलावा हरियाणा में जो हॉस्पिटल है वो हमने यहां पे दे दिया है, महेंद्रगढ़ में है, इसरवल में है, हिसार में है। दोस्तों पानीपत में है, करनाल में है दोस्तों। तो इस तरह आपका आप देखेंगे अंबाला में है, भिवाड़ी में है, तो ये सब आपका हरियाणा में है। राजस्थान में टीम हमारी छोटी है, लेकिन राजस्थान में भी हमारे पास हॉस्पिटल है, जयपुर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, जलोर के अंदर है, बांसवाड़ा के अंदर है दोस्तों, तो टोंक के अंदर है, तो हनुमानगढ़ में है, तो जयपुर में भी राजस्थान में भी 24 हॉस्पिटल है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अपने साथ में आज के दिन में 85 के आसपास में हॉस्पिटल है, 64 हॉस्पिटल है सर बिहार में। अगर झारखंड में देखते हैं तो झारखंड में भी 10 हॉस्पिटल की श्रृंखला है आपके सामने। महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में 16 हॉस्पिटल है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, अलीगढ़ है, एक अलीगढ़ से मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बरेली है, वाराणसी है, कानपुर है, बाराबंकी है, आगरा है, बस्ती है, मैनपुरी, मतलब उत्तर प्रदेश के लगभग ज्यादातर शहरों में अपनी प्रेजेंस है और वहां पे हॉस्पिटल की संख्या 100 के पार है दोस्तों, 116 है। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है हमारे साथ में, बेतूल में है, झाबुआ में है, भोपाल में है, ग्वालियर में है, सीहोर में है, और भी अलग अलग सिटीज में है, जिसमें 19 हॉस्पिटल हमारे साथ मध्य प्रदेश में है। क्योंकि मध्य प्रदेश में टीम हमारी अभी बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रही है, इसलिए हम जहां पे टीम हमारे साथ मजबूत नहीं होगी वहां पे ज्यादा हॉस्पिटल ला करके थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। क्या दिक्कत रहता है कि जब भी हम लोग किसी हॉस्पिटल के साथ में एमओयू करते हैं तो हॉस्पिटल को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके पास में एक रेगुलर पेशेंट रेफर करने की कोशिश करेंगे, और करते भी हैं। और उसी क्रम में जहां पे टीम हमारी कमजोर है, जहां पे हम संख्या बल में कम है, हमारे मित्र कम है, तो वहां पर निश्चित तौर पर पेशेंट कम जाता है। गुजरात में 5 है, पंजाब में 8 है, छत्तीसगढ़ में इसके ऊपर गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 5 है, उत्तराखंड में दोस्तों, हिमाचल में है, और नेपाल में है। ये दोस्तों मुख्य रूप से अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में जो था, जिन मित्रों के पास में हॉस्पिटल का लिस्ट नहीं है, जिस भी चैट के द्वारा आपको मैसेज गया है आप उसमें हॉस्पिटल लिस्ट खाली लिख दीजिए कि हॉस्पिटल लिस्ट भेज दीजिए, या प्लीज शेयर हॉस्पिटल लिस्ट, हमारे द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। दोस्तों इसमें एक और टेक्निकल चीजें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, वो है दोस्तों अपना ब्रोकरेज का। आप इसमें देखेंगे कि कुछ हॉस्पिटल के आगे हमने लिखा है पीपी, 13 पीपी, और कुछ के आगे लिखा है हमने 15 पीपी, और कुछ के आगे लिखा है दोस्तों ओनली 10। कोई मित्र मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज पहुंच रही है उन तक। आ रही है सर, पहुंच रही है, पहुंच रही है सर। थैंक यू। तो जिसमें सिर्फ 10 लिखा हुआ है, या जो फिगर लिखा हुआ उसके आगे पीपी नहीं लिखा हुआ, और जिसमें पीपी लिखा हुआ है, तो दोनों में जो मुख्य रूप से अंतर है ये है, मैं आपको वो जानकारी देना महत्वपूर्ण समझ रहा हूं कि आपके साथ में क्लियरिटी रहे पेमेंट की। तो जो पीपी है, पीपी का मतलब है प्रीफर्ड पार्टनर नेटवर्क है आपका हॉस्पिटल। तो जो प्रीफर्ड पार्टनर नेटवर्क हॉस्पिटल है। हेलो जी सर, कोलकाता में आप लोग का कुछ इस तरह का हॉस्पिटल से टाइप नहीं है अभी? देखिए सर, कोलकाता में अभी हमारे पास टीम ही नहीं था, इसलिए हमने कोलकाता में कोई टाई अप नहीं किया हुआ है। हमारे साथ में टीम जुड़ गई है कोलकाता में, बहुत जल्द हम लोग कोलकाता में लाएंगे, और जैसे ही आप जुड़ेंगे हम कोलकाता में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। कोलकाता कई हॉस्पिटल हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार है, हम लोग उस पर क्वेश्चन आंसर में करेंगे। अभी जो मैं बात रखना चाह रहा हूँ उसको एक बार कृपा करके समझ लें आप। तो देखते हैं, यहाँ पे जो पीपी है, पीपी का मतलब है प्रीफर्ड पार्टनर हॉस्पिटल है आपका,
वहां जो भी हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल पेमेंट रिसीव करेगा उस रिसीवेबल अमाउंट में से सिर्फ आपका मेडिसिन माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं एक हॉस्पिटल है उसमें 1,00,000 रुपए का बिल बना और आपका 30% का टाई अप है, 30% पीपी लिखा हुआ है आपको, तो 1,00,000 में से सिर्फ मेडिसिन का माइनस हो करके, देखिए मेडिसिन का माइनस ध्यान रखिएगा, मेडिसिन का माइनस हो करके रेस्ट अमाउंट के ऊपर आपको पेमेंट मिल जाएगा। ये जो आगे लिखा हुआ है ना कि इम्प्लांट स्टेंट वॉल्व पेसमेकर, ये एक दो हॉस्पिटल है जो बहुत ही हल्के, अपने आप को बड़ा मानते हैं, मैं उनको हल्का मानता हूं, बहुत हल्के हॉस्पिटल है जहां पे हम लोग नहीं के बार बार पेशेंट भेजते हैं, इसलिए टेक्निकली आपको लिख दिया गया है। अदरवाइज जो प्रीफर्ड पार्टनर्स का मतलब है कि वहां पे जो भी हॉस्पिटल रिसीव करेगी अमाउंट, उस अमाउंट में से मेडिसिन का अमाउंट माइनस करके रेस्ट अमाउंट के ऊपर आपको 30% पेमेंट जाएगा। जो भी आपको पेमेंट जाएगा उसमें 10% आपका टीडीएस कटेगा। दूसरा है दोस्तों, जो नॉन प्रीफर्ड हॉस्पिटल है इसका ध्यान रखिएगा, जो नॉन प्रीफर्ड पार्टनर हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर जो टोटल रिसीवेबल अमाउंट होगा हॉस्पिटल का उसमें से क्या क्या माइनस होगा, तो सबसे पहले मेडिसिन माइनस होगा, इम्प्लांट होगा, स्टंट होगा, बॉल्ब या पेसमेकर डाला जाता है तो वो भी होगा, कंज्यूमेबल होगा, प्रोफेशनल फीस होगा, सर्जन फीस होगा, एनेस्थेटिस्ट होगा, कंसल्टेशन चार्ज होगा और लैब एंड ब्लड का चार्ज भी होगा। तो दोस्तों ये बात मान के चलें कि जो नॉन प्रीफर्ड पार्टनर हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम और आप कम से कम कोशिश करें बिजनेस लेने का, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट और शेयरिंग बहुत कम रहेगी आपकी। तो इस चीज का विशेष विशेष ध्यान रखना है हम लोगों को अपने वर्किंग करते समय। और एक छोटा सा और मुझे आप तक जानकारी देनी थी कि पीछे हमारा कॉन्टेस्ट आया हुआ था जिसमें हम 12 एडमिशन पे एप्पल फोन दे रहे थे, 25 एडमिशन पे 25,000 से 30,000 रुपया सिंगापुर का ट्रिप दे रहे थे, 45 एडमिशन पे सिंगापुर ट्रिप था। तो दोस्तों इस तरह का कॉन्टेस्ट आपको समय समय पे मिलता रहेगा और उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। अगर कोई हमारे तरफ से प्रेजेंटेशन अगर चाहिए किसी मित्र को तो मैं इसको अभी ओपन रखता हूं और जो स्क्रीन शेयरिंग वाला बात था मैं स्क्रीन शेयरिंग को क्लोज कर देता हूं और क्वेश्चन आंसर के लिए हम उपस्थित हो गए हैं। तब जिन मित्रों के मन में भी जो भी सवाल है एक एक करके पूछ लें, हम अपने ज्ञान और जानकारी के हिसाब से हर संभव कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों का जवाब दे पाए। जी मित्र सर, हेलो। हाँ सर, सवाल पूछने में सबसे पहले आप अपना नाम और शहर का नाम बता दीजिए, फिर सवाल पूछ ले, थोड़ा शिष्टाचार पूर्वक ठीक लगेगा सर। जी हाँ जी, हाँ जी, मैं नासिक से विद्याधर जोशी बात कर रहा हूँ। हाँ जोशी साहब, हाँ मुझे ये सवाल पूछना है कि ये तो सब आपने बता दिया कि हमें क्या बेनिफिट होगा, उसको हॉस्पिटल का सब ये होगा, लेकिन पेशेंट को इसमें क्या बेनिफिट है कि वो हमारी तरफ से हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि आज की डेट में डॉक्टर का ही नेटवर्क इतना बढ़िया हो चुका है कि वो रेफरल के ऊपर उनको कमीशन देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही से क्वेश्चन सर। ध्यान रखिए कि जो पेशेंट है ना वो डॉक्टर के पास से पहले आपका पेशेंट है। अगर उनका मेडिक्लेम पॉलिसी आपने करा है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपने करा है, रिलेशन आपने मेंटेन करा है, तो पेशेंट आपके हैं। तो अगर आपके रिलेशन अच्छे होंगे कस्टमर के साथ में, पेशेंट के साथ में, तो निश्चित तौर पे आप उनके परिवार के सदस्य की तरह होंगे और आपसे हर बात पूछ करके वो डिसीजन लेंगे। तो इस केसेज में आप डॉक्टर के नेटवर्क में जाने से पहले कोशिश करें कि आप अपने नेटवर्क में उनको रखें और उनके द्वारा आप डिटेल्स लेकर के आप हमें शेयर करें और जिसका बेनिफिट आप उठाएं। जी ये तो बात आपने बता दी कि पॉलिसी निकाला होगा तो, लेकिन अगर समझ लीजिए कि पॉलिसी मैंने नहीं निकाला है, किसी दोस्त ने निकाला है, तो अभी क्या है, दोस्त के साथ में कॉन्फ्लिक्ट करके तो बिजनेस नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन में अगर पेशेंट को कहीं पे भेजना है तो पेशेंट का बेनिफिट भी होना चाहिए ना, पेशेंट तो वहां पे जाना चाहिए, है ना। और जो जो हॉस्पिटल मेडिक्लेम के इसमें नहीं रहेगा तो वहां पे अगर पेशेंट गया कुछ हुआ तो उस सिलसिले में कैसे क्या बिजनेस बढ़ेगा, इसके लिए मैं पूछ रहा था कि पेशेंट को क्या बेनिफिट है इसमें। जोशी साहब, जब हम लोग हॉस्पिटल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जोशी साहब, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके क्वेश्चन के लिए। जब भी हम लोग किसी हॉस्पिटल से टाई अप करते हैं उसमें सबसे पहला जो एमयू का वर्ड होता है ना, वो होता है कि जो कस्टमर हमारे जा रहे हैं, जो पेशेंट आपके यहाँ पे आ रहे हैं
वो हमारे ग्राहक है, वो हमारे भगवान है, तो उनकी सेवा में किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। दूसरा होता है उसमें कॉलम कि आपका जो स्टैंडर्ड टैरिफ रेट है उस स्टैंडर्ड टैरिफ रेट से आप ज्यादा किसी भी एंड पे चार्ज नहीं करोगे। तीसरी बात है जोशी साहब कि जो भी पेशेंट जा रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे आपके अपने लोग हैं, हमारे कस्टमर हैं, आपके कस्टमर हैं, आपके मित्र हैं, रिलेटिव हैं, तो सब कहीं ना कहीं हमारे अपने हैं। तो हम और आप देखिए, आप पुणे में अगर हैं और मैं दिल्ली में हूं तो पुणे में तो मैं पेशेंट को जाकर नहीं देख पाऊंगा, लेकिन क्योंकि आप हॉस्पिटल वाले का प्रतिनिधि हैं और हॉस्पिटल को आप भी जानते हुएगा नहीं जानते हुएगा तो आप जानेंगे उनको, क्योंकि उनको आप पेशेंट और बिजनेस दे रहे हैं। उस रिलेशन की बदौलत आप वहां पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी भी पेशेंट के साथ में कोई इस तरह की अनहोनी ना हो, कुछ मिसबिलिंग नहीं हो, मिसबिहेव नहीं हो, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखेंगे। खास तौर पे तब क्योंकि हॉस्पिटल एक ना प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, प्रोफेशनल संस्थान बन चुका है, सेवा संस्थान नहीं है, तो आप इस विश्वास के साथ वहां पेशेंट रेफर कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस भी अगर हमने डिसाइड कर लिए कि यहाँ तक का उनको मिलना है, जैसे मेडिक्लेम पॉलिसीज में होता है कि ये 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, उस हिसाब से अगर रहेगा तो पेशेंट को आसानी से बता सकते कि आप अगर हमारी तरफ से जाएंगे तो आपको इतने कंसेशनल रेट में या इकोनॉमिकल रेट में हम आपको। नहीं जोशी साहब, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कोई एमओ हम लोग नहीं कर रहे हैं कि हमारे लिए आप अलग से रेट बना दीजिए, स्पेशल रेट दे दीजिए, ऐसा हमारा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ऐसा कोई हमारा एमओ नहीं है। जो हॉस्पिटल का रेट होता है हम हॉस्पिटल के रेट पे एग्रीमेंट करते हैं और जो हॉस्पिटल अमाउंट रिसीव करता है उसके ऊपर हम पेमेंट लेते हैं। जी जी ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू जोशी साहब। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन हो? हेलो जी, जी नमस्कार, मैं चंद्रकांत पाठक कोलकाता से बोल रहा हूँ। हाँ जी पाठक सर, नमस्कार, पूछा जाए। नमस्कार सर, कह रहा हूँ कि जैसे नी रिप्लेसमेंट है, जैसे मान लीजिए और सब हॉस्पिटल में कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, मतलब अलग अलग रेट से जैसा पेशेंट देखते हैं वैसा रेट लेते हैं जी। तो मान लीजिए हम लोग जो पेशेंट भेजेंगे वो नी रिप्लेसमेंट होगा, उसका कैसे क्या क्राइटेरिया क्या है, कितना लगेगा, ये सब कैसे पता चलेगा, मतलब जी जी आजकल के डेट में होता क्या है सर कि जो पेशेंट होते हैं अगर जहाँ कम पैसा लगता है वहाँ पे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, भाई उनको वो भेजे थे तो 4 लाख लगा, ये भेजे तो हमको 2 लाख में हो गया, तो ये सब चीज सर मेन मायने रखता है। मैं मेडिकल सेक्टर में हूँ सर, ये सब आए दिन देखता हूँ, मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ कोलकाता में जी, तो इसके लिए जी जी पाठक साहब ये मायने रखेगा, लेकिन ये ना जो मैनुपुलेशन होता है ना खास तौर पे थर्ड और फोर्थ ग्रेड के हॉस्पिटल में ज्यादा होता है, ए और बी ग्रेड के हॉस्पिटल में इतना नहीं होता है, जो मैंने भी अनुभव किया है, मैं भी आपके बीच का ही आदमी हूँ। ठीक है सर, तो उसमें करना क्या है कि आपका अगर कोई पेशेंट आया, आपके पास कोई पेशेंट आया और आप कोलकाता में है, तो कोलकाता में आपके पास 2, 4, 5, 10, 20 हॉस्पिटल है, सबका रिलेशन में और मैनेजर आपके साथ में ही मार्केटिंग वाले जुड़े हुए, क्योंकि कोलकाता में मैं डायरेक्ट जाके हैंडल कर नहीं रहा हूँ, या तो आप करेंगे नहीं, नहीं, या हमारे ऑफिस से हमारे मैनेजर साहब करेंगे, या आपके वहां पे कोई टीम हमारा होगा वो टीम के लीडर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपस में आपको इन चीजों को सुधारना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा, और कस्टमर को बेहतर सर्विसेज, बेहतर रेट हम लोग कैसे दे सके, इसके लिए हमें हॉस्पिटल से बार्गेन करके भी काम करना पड़ेगा, उसके स्टैंडर्ड पैरामीटर के अलावा भी, और इसके लिए हम लोग को कदम बढ़ के आगे बढ़ाना पड़ेगा ना जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू पाठक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है? हेलो जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, मैं तो फर्स्ट बार ज्वाइन हो रहा हूँ आपसे, आपने सुपर लिंक भेजा था मुझे जी, वही बात करना था मुझे जब मैं हेल्थ केयर चला रहा हूँ ना, यूनाइटेड हेल्थ केयर जी, जिसमें हम लोग घर में आईसीयू सेटअप कर देते हैं पेशेंट का, नर्सिंग स्टाफ, जीडीएस स्टाफ, इक्विपमेंट्स जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब लोग प्रोवाइड करते हैं जी। तो मैं कैसे जुड़ सकता हूँ आपके साथ में? जी जी, अगर हमारे मार्केटिंग वाले अगर सर को सुन रहे होंगे, राकेश शर्मा जी को, तो राकेश शर्मा जी का ऐसा बिजनेस है कि अगर कोई आईसीयू में पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है
तो हॉस्पिटल में दो तरह से आईसीयू में रहता है, एक तो रहता है कि कंपल्सरी उसको आईसीयू के अलावा कहीं और रहना ही नहीं है, दूसरा रहता है कि अगर आईसीयू का सेटअप उनको छोटे हॉस्पिटल में मिल जाए बड़े हॉस्पिटल की तुलना में तो उनका कॉस्टिंग 20-25% पे आ जाएगी, 100 रुपए के तुलना में 20-25 रुपए में काम हो जाएगा, और वही सेटिंग अगर उनके घर पे सेटअप कर दिया जाएगा वो खर्चा काफी हद तक 15-20% में भी निकल करके आ जाता है। तो जो राकेश शर्मा जी का सेटअप है कुछ इसी तरह का है, और इनका जो बिजनेस है और दिल्ली NCR में काफी सारे पेशेंट को सर्विसेज दे रहे हैं जिनमें आईसीयू की जिनको भी जरूरत होती है उनका पूरा का पूरा आईसीयू का सेटअप उनके घर पे लगा के देते हैं, और उसके अंदर इनका ही तरफ से स्टाफ रहता है जो अच्छे डॉक्टर जिस डिपार्टमेंट के वो पेशेंट हैं उनके डॉक्टर भी इन्हीं के द्वारा वहां पे जाता है। तो हमारे मार्केटिंग वाले आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आप चैट बॉक्स में आप अपना नाम और नंबर शेयर कर दीजिए, हमारे मार्केटिंग वाले हैं लाइव है अभी तो आपकी बात को सुन लिए हैं, वो आपसे संपर्क करके आगे की कार्यक्रम अगर कुछ भी बनता होगा इस पे तो आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए आज के कार्यक्रम। ओके थैंक यू जी। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है? तिवारी जी मेरा जी हेलो। हाँ सर। हाँ सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बोला ना अभी शुरू में के जैसे अब रेफरल आप करेंगे यानी टीम आप बनाएंगे तो जैसे जिस आप चार्जेस ले रहे हो तो आप उसको दे रहे हो मतलब आईडी कार्ड दे रहे हो विजिटिंग कार्ड दे रहे हो, बट फर्दर आगे जो हमारी टीम होगी उसको कंपनी की तरफ से कुछ मिलेगा क्या? हाँ सर उनसे भी हम चार्ज ही लेंगे सर, उनसे भी हम सेम चीज देने वाले हैं क्योंकि पूरा का पूरा आप ही के लिए काम करेंगे सर। कपूर साहब हाँ जी हम उनसे भी चार्ज लेंगे, हम उनसे भी चार्ज लेके क्योंकि okay. आपका टीम हमें बड़ा करना है, आपके टीम को ऑथोराइज करना है, आपको टीम को आपके बिजनेस को बढ़ाना है। मैं एग्जांपल देता हूँ कपूर साहब, आप जिंद में हो, जिंद के साथ में 5-7-10 और डिस्ट्रिक्ट के साथ में टीम का टाई अप कराएंगे हम आपका, और पूरा का पूरा टीम लीडरशिप आपके अंदर ही डेवलप होगी, और जो भी वो टीम काम करेगी वो पूरा का पूरा आपके गाइडलाइन में करेगा, और जिसके ऊपर जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो 100% आपको जाने वाली है। तो सर इस टीम को हम ही लोग मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे या कंपनी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस? आप ही करेंगे। और वहां पे एग्जांपल देता हूँ कि आप जिंद में हैं, हिसार में हैं, या पलवल में हैं, फरीदाबाद में हैं, सोनीपत में हैं, तो वहां जाकर के हम उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनको सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, ऐसा संभव नहीं है तो पूरा का पूरा काम आपको ही देखना पड़ेगा। हाँ गाइडलाइन हमारी होगी, हम लोग समय समय पर उनसे मिलते रहेंगे, गेट टुगेदर करते रहेंगे, इस तरह का लाइव कार्यक्रम लेके आते रहेंगे जिससे कि आपका कारोबार आपका व्यापार और आपका टीम आगे बढ़े। तो चार्जेस सर यही रहेंगे जैसे हम लोग पे कर रहे हैं? चार्जेस यही रहेंगे। अगर आपको लगता है कपूर साहब कि कुछ ऐसे पार्टनर आपको अपॉइंट करना है जिनसे चार्ज नहीं लेना है तो उनको हमारी तरफ से कुछ रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, अपने साथ में जोड़ लीजिए, जो आपको पेमेंट जा रहा है उसमें 5-10% का मार्जिन रख के बाकी अमाउंट आप उनको पास कर दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल बिजनेस आप ही का बढ़ रहा है। नहीं सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना सर, जैसे अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम डायरेक्ट अपॉइंट ही कर रहे हैं, तो मॉर्निंग में भी मेरी बात हुई थी तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि अपन रेफर करने वाले हैं या टीम बनाने वाले हैं, तो अभी अभी आपके पास एक इंक्वायरी भी आई थी जिसमें कहा था कि भाई सर मैं तो नेटवर्किंग में काम करता हूँ, मेरे तो लीडर्स हूँ, तो इस तरह के लोगों का यही इशू रहता ना सर, उसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? ठीक है ना सर, अब जैसे मैंने 11 जो मैंने चार्जेस दिए वही मेरा वो भी देगा, तो क्या उसके कार्ड में मेरा भी कहीं मेंशन होगा कि मैंने इसे इंट्रोड्यूस किया सर? हाँ सर, हाँ सर, जो उनका विजिटिंग कार्ड जाएगा, उनका आई कार्ड जाएगा, उसमें टीम लीडर के रूप में आप रहेंगे और मार्केटिंग पार्टनर के रूप में वो रहेंगे। मैं उसका सैंपल आपको भेज दूंगा सर। ओके थैंक यू सर। और उसकी जो पूरी अकाउंटिंग होगी वो कंपनी की अकाउंटिंग होगी, उसमें आपको कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। उनका जो भी बिजनेस होगा, जो भी TDS होगा, जो भी टैक्सेशन होगा, जो भी इनकम होगा, जो भी 26 होगा, उनका कंपनी अपने आप मेंटेन करेगी, आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी शेयरिंग कर दी जाएगी, उसका 26 आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके थैंक यू। अगर आप उनको ध्यान रखिए, आप उनको ऑथोराइज पार्टनर बनाते हैं तो, अगर ऑथोराइज पार्टनर नहीं बनाते हैं, आप ऐसे ओपन बनाते हैं बगैर फीस का बनाते हैं, तो उनका कोई भी रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे, हम उनके अकाउंट में कोई भी पेमेंट ट्रांसफर नहीं करेंगे। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना सर, फिर तो ऑथराइज ही बनाया जाए ना, वही बेटर है सर जी। और सिर्फ सिंगल लेग ही रहेगा, आपके नीचे सिर्फ एक ही टीम काम करेगी, उनके नीचे कोई और नहीं जाएगा सर। ओके सर थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद कपूर सर, थैंक यू। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है? सर ऑथराइज जो यहाँ पे एक क्वेश्चन था,
सर जो पेमेंट की जो बात हो रही थी, तो क्या आप पेमेंट जो भी हमारी टीम का जो भी पेमेंट बनेगा वो आप हमें देंगे फिर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या कंपनी जो है हमारी टीम को डायरेक्ट पेमेंट करेगी? जी वर्मा साहब, इसमें दो तरह के आपके पार्टनर होंगे जी। एक पार्टनर है आपके ऑथोराइज पार्टनर, ठीक है, ऑथोराइज पार्टनर से आप फीस लेंगे, उनको जो आपको मिला हुआ बेनिफिट सब कुछ उनको उनको मिलेगा, बस वो टीम नहीं बना पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसकी पूरी अकाउंटिंग अकाउंटेबिलिटी कंपनी करेगी, कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला करेंगे। अगर आपने किसी को सिर्फ रेफरल पार्टनर बना रखा है, जो आप किसी से कोई खास रेट पे तय कर लिया पर फीस पे, पर पेशेंट पे, पर एडमिशन पे, पर केस पे, वॉल्यूम के ऊपर, वो पूरा का पूरा आपको मेंटेन करना है, उसमें कंपनी और हम लोग कहीं इन्वॉल्व नहीं रहे। सर इसका एक चीज और एक क्वेश्चन मेरा था इसमें कि हम इसका डाटा कैसे मेंटेन करेंगे कि हमारे साथ कितनी टीम काम कर रही है और क्या काम कर रही है, क्या बिजनेस वॉल्यूम उनका आ रहा है और उनने मतलब कितने पेशेंट रेफर करे हैं, क्या करे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जी जो आपका मोबाइल ऐप जो डेवलप हो रहा है काफी हद तक फाइनल स्टेज पे है, उसमें सीआरएम उसमें सीआरएम के साथ में है, ईआरपी के साथ में बन रहा है वो, तो आप उसको दोनों वे में चेक कर पाएंगे आप अपने लॉगिन पासवर्ड से कि आपके और आपके टीम के द्वारा क्या बिजनेस हुआ, क्या इनकम आया, क्या आपका पेमेंट गया, किस स्टेज पे आपका पेशेंट का एडमिशन स्टेटस है, वो सारा अपडेट होता रहेगा। ओके, तो इसमें सर ये भी रहेगा कि हम भी बिजनेस कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, आप ही बिजनेस करेंगे, हम तो आराम करेंगे। नहीं वो तो अच्छी बात है सर, बट मेरा कहने का मतलब ये कि सपोज एक तरह का मैं चैनल पार्टनर बन गया आपके साथ, अब मैं टीम बना रहा हूँ, तो उसमें मैं भी पेशेंट्स रेफर कर सकता हूँ और मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ। जी जी, उसी कोड में, उसी कोड में। मैं आपको ना एक बार फिर से उस रिपोर्ट पे अगर कहेंगे मैं दिखा देता हूँ, जो हमने 9 बेनिफिट दिखाया था थोड़ा ही मार्केटिंग पार्टनर का, उसमें जो सबसे पहला बेनिफिट था कि आपका डायरेक्ट इनकम जी, और दूसरा बेनिफिट था आपका टीम इनकम, ठीक है सर, तीसरा बेनिफिट था आपका हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम। तो जो हॉस्पिटल नेटवर्किंग है वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और अपने टीम से भी करवा सकते हो, ठीक है, और जो एडमिशन वाला काम है आप डायरेक्ट अपना पेशेंट आप डायरेक्ट भेजेंगे, आपके टीम तो भेजेगी ही भेजेगी, तो इस तरह से आप ये तीन तरह से डायरेक्ट इनकम आने वाला है, तीन रास्ते से आपकी इनकम आने वाला है, ठीक है सर। और जो हॉस्पिटल के ऊपर या टीम के ऊपर सिर्फ आप ही को जाएंगे, आपके अलावा आपके जो मार्केटिंग पार्टनर है उनको नहीं जाएंगे सर। रिपीट करिए सर, नहीं समझ पाया मैं। जो टीम का इनकम है और जो हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम है वो सिर्फ आप तक ही जाएगा, आपके नाम पे ही जाएगा। टीम की इनकम और नेटवर्क, टोटल टीम जो बिजनेस करता है उसके ऊपर जो ओवरराइडिंग आना है, एक्स्ट्रा आना है, वो आप ही को आप ही तक रहेगा सीन, ठीक है। और हॉस्पिटल नेटवर्किंग का अगर हमारी टीम भी नेटवर्क बनाती है जी, वो आप ही की मानी जाएगी हॉस्पिटल, हम उसके ऊपर आप ही को देने के लिए जिम्मेवार, हमारे टीम को नहीं मिलेगा, आपके टीम को नहीं मिलेगा। अगर कोई टीम आपका अच्छा काम कर रहा है तो उसका इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन आप अपना रखिए, हम सिर्फ आपके प्रति जवाबदेह रहेंगे। ओके, अगर मेरी टीम हॉस्पिटल टाई अप कराती है तो उसका जो भी बेनिफिट है वो हमें उससे देना होगा, आप ही को मिलेगा। उसका मैं एक रीजन बताता हूँ। अब आपकी टीम में, आप भोपाल में हैं, आपकी टीम एक मंदसौर में है, एक ग्वालियर में है और एक आपका कानपुर में है, मैं एग्जांपल देता हूँ। अब कौन सा आपके टीम में, क्योंकि उसमें जो रेफरल आएगा पार्टनर का आएगा, टीम लीडर का आएगा कोड, वो सिर्फ आप ही का आएगा। तो जब हमारा सिस्टम जो इनकम जनरेट करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग जब निकालेगा ओवरराइडिंग का, तो सिर्फ आपके कोड का निकालेगा, आपके टीम का नहीं निकालेगा, ठीक है सर। और जो टीम के टोटल बिजनेस के ऊपर आपको जाना है वो आपको जाएगा, आपके डायरेक्ट इनकम का आपको जाएगा, और आपके नेटवर्किंग जो टीम हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम का है उसका आपको जाएगा। एक बार मैं स्लाइड पे लेके आऊं आपको? बिल्कुल सर।
ये देखिए सर, सबसे पहले था कि टू टाइप ऑफ मार्केटिंग पार्टनर है, एक जनरल मार्केटिंग पार्टनर है, एक ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर है। जनरल मार्केटिंग पार्टनर से हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं, आप भी कोई फीस नहीं ले रहे हैं। ऑथोराइज मार्केटिंग से हम भी फीस ले रहे हैं और आप भी ले रहे हैं, दोनों एक ही जगह पे आ रहा है दोनों को। लेकिन जो ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर है, जिसको हमने टीम लीडर का नाम दिया है, जो हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, उसमें एज पर हॉस्पिटल स्लैब डायरेक्ट इनकम आपका रहेगा, जो पेशेंट आप डायरेक्ट शेयर करेंगे, डायरेक्ट भेजेंगे। वर्मा जी? यस सर, यस सर। दूसरा है सर, जो कॉन्टेस्ट रहेगा, अभी टीम लीडर के लिए कॉन्टेस्ट निकाल रहे हैं हम, अपने टीम के लिए नहीं निकाल रहे हैं, आपके मार्केटिंग टीम के लिए नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ टीम लीडर के लिए निकाल रहे हैं। तीसरा इनकम रहेगा आपका टीम इनकम का, जो भी आपका टीम काम करेगी उसको जो डायरेक्ट इनकम जाएगा तो जाएगा जाएगा, उसके ऊपर जो आपका जाएगा वो आपका थर्ड इनकम होगा। और चौथा इनकम है आपका हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम, ये भी आप ही को जाएगा। ठीक है सर। और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज है सर, एक बार फिर से ध्यान रख ले, ये डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज है कि आपके अपने पेशेंट, मान लेते हैं आपने एक महीने में 10 पेशेंट रेफर किया, 10% का पेशेंट का बिल 10 लाख रुपए बना और 20% का स्लैब है वहां पे, तो 2 लाख रुपए आपका डायरेक्ट इनकम बन गया। वर्मा जी मैं समझा पा रहा हूँ सही पॉइंट? बिल्कुल सर जी। और आपके टीम में भी 10 लोग हैं, 10 लोग ने भी 1-1 लाख रुपए की 10 पेशेंट पूरे हॉस्पिटल में आपको पहुंचाया, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसमें 20% का स्लैब था, टोटल जो 10 पेशेंट आपके टीम के द्वारा भेजा गया तो उसपे 2 लाख रुपए का जो इनकम आया, तो 2 लाख में आपको टीम को इनकम गया, तो 2 लाख जो टीम को गया उसपे 2.25% आपको एक्स्ट्रा मिले, 2 लाख का 2.25%, यानी कि 2250 रुपया। ठीक है सर। ठीक है सर, अमाउंट बहुत छोटा मिल रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही टीम की साइज आपकी बड़ी होगी, बिजनेस का वॉल्यूम बड़ा होगा, वो परसेंटेज रेशियो आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है सर। ठीक उसी तरह आप देखेंगे हॉस्पिटल नेटवर्क इनकम में कि नेट इनकम के ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेट इनकम का मतलब है हॉस्पिटल से, मान लेते हैं भोपाल में आपने 10 हॉस्पिटल टाई अप करवाया, कानपुर में 10 करवाया आपने और ग्वालियर में आपने 10 करवाया, उस 30 हॉस्पिटल के अंदर जो भी कंपनी को पेमेंट आया उसमें से अप्रोक्सीमेट हम लोग 80-85% अपने मार्केटिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो बाकी जो रेस्ट अमाउंट बचेगा उसके ऊपर हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और वो कितना कहाँ पे किस तरह से सेविंग हो रही है, क्या एक्सपेंस हो रही है, सर आप इंटरनल टीम में होंगे, आपका जो रोल होगा पूरी की पूरी इंटरनल अकाउंटिंग टीम के अंदर में रहेंगे, पूरी मार्केटिंग टीम के अंदर में रहेंगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में रहेगी, क्योंकि एमओ आपके सामने होगा, आप ही कराएंगे, आपकी टीम ही कराएगी, जो पेमेंट आएगा उसमें भी इन्वॉल्वमेंट आप ही का रहेगा, तो आपके साथ में सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ में रखा जाएगा। इसमें मेरा एक क्वेश्चन था सर, जरूर पूछे, कि क्या हॉस्पिटल का बिल हमें पता चलेगा, आप जो पेमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पता, क्या हमारे पोर्टल पे वो बिल अवेलेबल होगा? कुछ हॉस्पिटल हमें डिस्चार्ज के तुरंत बाद पेमेंट का वाउचर और बिल भेज देता है, कुछ हॉस्पिटल नहीं भेज रहा है, लेकिन आगे चल करके हम सारे हॉस्पिटल से ऐसी बातचीत कर रहे हैं कि आप हमें जैसे ही हमारा पेशेंट डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज पेपर और फाइनल बिल आप हमें शेयर कर दें। हाँ, वो आपके मोबाइल ऐप के लॉगिन पे चला जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर हॉस्पिटल बिल हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा तो उसमें फ्रॉड होने की आशंका रहेगी ना सर? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी, और ऐसा कई जगह हुआ है, इसीलिए हम लोग इमीडिएट पेशेंट डिस्चार्ज होते ही उनसे बिल की कॉपी मांग लेते, जिससे कि आपकी अकाउंटिंग टीम उसको प्रॉपर बिलिंग करके भेज पाए। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था, जो हम पार्टनर्स बनाएंगे अपने साथ, उनका भी फीस का जो अमाउंट है वो सेम रहेगा या फिर कुछ? सेम रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जो 1180 रुपया है वो 1000 रुपया एक्चुअल फीस है, 18% जीएसटी है जो कंपनी के अकाउंट में आती है, और 1000 जो कॉस्ट आता है, एक आपका विजिटिंग कार्ड बनता है, आई कार्ड बनता है, और 1000 विजिटिंग कार्ड बनता है जिसका एक्चुअल कॉस्ट आता है हमारे वेंडर को जाता है, उसमें तो ना प्रॉफिट हम और हमारी कंपनी ले रही है, ना उसमें से कुछ शेयरिंग आपको आने वाला है, वो आपके टीम के लिए है, और
वो एक्चुअल फीस है वो रहेगा, और उसको करके आप अपने टीम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज के मतलब आप उसको ब्रांड दे रहे हैं, उसको आप एक स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो मार्केट में जाए, हॉस्पिटल के पास में जाए, पेशेंट के पास में जाए, छोटे बड़े डॉक्टरों के पास में जाए। हम लोग इसी भी चर्चा कर सकते हैं कि हम लोग पेशेंट कहाँ से लाएंगे, कैसे रेफर करेंगे, किस तरह से इनकम को बढ़ाएंगे, कैसे बिजनेस को बढ़ाएंगे। ऐसी चर्चाएं हमें आप लोगों के द्वारा आनी चाहिए थी, नहीं आई है, आएगी तो उस पर चर्चा जरूर करेंगे। हेलो जी, जी सर, आपने जो कहा ये चर्चा एकदम जरूर होना चाहिए सर, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, ये चर्चा एकदम होनी चाहिए। अभी इस पर आप एकदम सर फोकस डालिए। अभी तो सर हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारी टीम नहीं है वहां पे टीम बढ़ जाए। नहीं नहीं, श्योर श्योर सर, एकदम श्योर। ये तो सर जी जी बोलिए। पहला एजेंडा ये है, दूसरा एजेंडा ये है, जैसे आप कलकत्ता में हैं, कलकत्ता में आप जैसे हमारे साथ में जुड़ जाते हैं, कलकत्ता में हम आपको 5, 10, 15, 20 हॉस्पिटल तुरंत देने वाले हैं। तुरंत मतलब हफ्ते 15 दिन के अंदर में दे देंगे, कि जिससे कि आप हमारी टीम भी जुड़ गई, टीम भी बढ़ने लग गया और हॉस्पिटल भी बढ़ गया। अब तीसरी स्ट्रेटजी आती है कि हम पेशेंट कहाँ से लाएं। तो पेशेंट के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसको मुख्य रूप से 4 प्लानिंग के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सबसे पहला प्लानिंग होगा कि अगर आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हैं, आपके छोटे बड़े जितने भी क्लिनिक हैं, लैब है, नर्सिंग स्टाफ है, हॉस्पिटल स्टाफ है, छोटे छोटे काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको एक फिक्स प्राइस पे या एक अमाउंट आप उनको फिक्स कर दीजिए, पर रेफर पेशेंट के ऊपर आप उनको पेमेंट देने लग जाइए। दूसरा तरीका है कि जो हमारे इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे आप अपने टीम में लाने की कोशिश करिए। जो पहले वाला हमने तरीका बताया, उसमें से भी कुछ लोग आपके साथ में रजिस्टर्ड पार्टनर बन के काम करना चाहेंगे, उनको आप रिकॉग्नाइज करिए, उनको आप आगे बढ़ाइए। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप इस दोनों पार्ट पे काम करेंगे तो बेहतर होगा। तीसरा होगा कि आप अपने एरिया में जो हॉस्पिटल हम लोग आपको देने वाले हैं, वहां पे आप हर महीने में एक बार हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम जरूर रखें, हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप का। इसके लिए लगभग सारा हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल आपके साथ में तैयार हो जाएगा, किसी न किसी ओकेजन पे, किसी न किसी उत्सव पे या डेट पे आपके साथ में हेल्थ चेकअप करने के लिए। उसमें 25, 50, 100, 200 लोगों को हेल्थ चेकअप कराइए, 2, 4, 5, 10, 20 पेशेंट वहीं से निकल के आपके आने वाले हैं। तो तीसरा प्लान प्लेटफॉर्म रहेगा। चौथा रहेगा सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग कुछ डिस्काउंट कूपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हेल्थ चेकअप करेंगे, इस तरह का प्लेटफॉर्म करके हम लोग बिजनेस को ग्रो करेंगे। जी जी जी, थैंक यू सर, शुक्रिया आपका भी। और कोई क्वेश्चन किसी मित्र के मन में हो? कंसल साहब, कुछ क्वेरी है आपके तरफ से? एक क्वेश्चन माइंड में आया अभी जी, पूछा जाए। सपोज मैं एक हॉस्पिटल टाई अप कराने जाता हूँ और उसमें मुझे मीटिंग की जरूरत पड़ती है ना, मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता हूँ, और वो बंदा बोलता है ना मैं जूम पे आऊंगा ना मैं गूगल मीट पे आऊंगा, आपके जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी सीनियर मैनेजर हैं या जो भी है, आप उनको जो है फेस टू फेस मीट कराइए, तो उस कंडीशन में क्या पॉसिबल होगा सर? हम उनको ही बुला लेंगे दिल्ली? वो नहीं आना चाहते दिल्ली। तो इसका मतलब वो आपके साथ में काम नहीं करना चाहते, उनका इशारा समझने की कोशिश करिए। ओके, हॉस्पिटल को क्या चाहिए? पेशेंट चाहिए ना जी। हॉस्पिटल को बिजनेस चाहिए, तो बिजनेस कौन देने वाला है? बिजनेस तो हम देने वाले हैं नहीं, बिजनेस तो आप देने वाले हैं। तो जब आप ही को सम्मान नहीं दे रहा है तो किसी को सम्मान नहीं दे रहा, वो सिर्फ रोरे अटका रहा है, तो उस रोरे को अटकने को दूर कर दीजिए, उसको छोड़ के और किसी के पास में चले जाइए। तीसरी बात, अगर फिर भी मिलना है, आज के दिन में हमारे भारत के नरेंद्र मोदी जिनकी माता जी की देहांत हो गई थी, उसी दिन 2 घंटे के बाद, अंतिम संस्कार करने के 2 घंटे के बाद बंगाल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का उन्होंने लाइव उद्घाटन किया था। तो काम अब सब डिजिटली हो रहा है वर्मा जी, पुराने जमाने की बात है जब हम लोग कर रहे हैं, सामने आके बैठेंगे, फिर चेहरा देखेंगे, फिर बात करेंगे, फिर गले मिलेंगे, फिर चाय मिलेंगे, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है वर्मा जी। फिर भी अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी, कोई आवश्यकता पड़ेगी, पूरी टीम आपके साथ है, भोपाल दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं, सब नजदीक में है, 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है, आया जाएगा और जाया भी जाएगा।
बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी सपोर्ट की उम्मीद है सर, इसीलिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं सर। बहुत धन्यवाद वर्मा जी। गौरव भाई साहब, कुछ क्वेश्चन आपके तरफ से उम्मीद कर रहा था मैं। गौरव कंसल जी, और किसी मित्र के मन में कोई बात है जो पूछना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, खुले मन से रखें, हम हर संभव कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब दे पाऊं, क्योंकि समय अपना सीमा पार कर चुका है, 9:03 हो चुके हैं, मैसेज आ रहा है कि कार्यक्रम समाप्त किया जाए, फिर भी किसी मित्र के मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछा जाए। नमस्कार। नमस्कार तौफिक भाई, कैसे हैं? बढ़िया सर, आशीर्वाद आदर से तौफिक आलम बात कर रहा हूँ। सर मेरा ये सवाल था, क्या हमें सिर्फ हॉस्पिटल ही टाई अप करना है या पैथोलॉजी लैब मेडिकल वगैरह भी अपन टाई अप कर सकते हैं? जी, हम लोग पैथोलॉजी लैब ले रहे हैं, नर्सिंग होम ले रहे हैं और हॉस्पिटल ले रहे हैं, मेडिकल स्टोर नहीं ले रहे हैं। मेडिकल स्टोर ना जब अपना ऐप उतना पावरफुल बन के आ जाएगा तो मेडिकल स्टोर हम लोग ऐप के द्वारा लेंगे, कि वहां पे हम लोग क्या टाई अप करेंगे वो प्लान बताता हूँ आपको, कि मेडिकल स्टोर से ना हम लोग 10% से 40% के डिस्काउंट रेट पे अपने पेशेंट के घर पे ही दवा डिलीवर करवा देंगे, जिस पिन कोड में मेडिकल स्टोर है हमारे साथ में। तो थैंक यू सर, वो ऐप बेस पे लाएंगे जब ऐप आपका पूरा पावरफुल तैयार होकर के आ जाएगा, अभी हम लोग लैब नर्सिंग होम और हॉस्पिटल को लेके आ रहे हैं। और कोई क्वेश्चन किसी मित्र का? मकर संक्रांति की शाम में इतना महत्वपूर्ण समय निकाला आप सभी दोस्तों ने, हम आभार प्रकट करते हैं, आपने अपने जीवन के बहुत ही बहुमूल्य समय हमें दिया है और हम आजीवन आभारी रहेंगे आप सबका, कि आपने हमें प्यार और दुलार और अपना समय देते हुए हमें सुना है, सीखा है, समझा है, और आप लोगों से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। कोशिश करेंगे कि इसी विश्वास को आगे कायम रखते हुए हम लोग आगे बढ़ें और जीवन में प्रगति के पथ पे चलें। दोस्तों कल शाम को फिर 8 बजे कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम का नाम है पॉलिसी बाजार ही क्यों, चर्चा करेंगे कल शाम को 8 बजे। इसी के साथ में आज की संध्या का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। सादर प्रणाम, नमस्कार।